किसान के समर्थन में बैठे हुए सभी भाई लोग का स्वागत है। सारे कृषि कानून वापस लेने होंगे। कानून है झेलनी पड़ रही है और जो उनका मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है और इसके विरोध में हम लोग सब लोग एकजुट होकर के इस सरकार को जताने का आज हमने पूरे विरोध प्रदर्शन के साथ पूरा मार्केट में भी घूमे। हम लोग काफी लोगों ने हमें व्यापारी लोगों ने भी समर्थन दिया। मैं उन व्यापारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी लोगों इस एकजुटता के लिए इस विरोध कानून के लिए हम लोग एकजुट होकर के एक साथ लड़ेंगे और इस सरकार को जताएंगे और सरकार आने वाले इस यहाँ तो प्रदेश की सरकार 2022 में हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी हमारी 2024 की सरकार आएगी और हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी राहुल गांधी जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं इसके साथ सभी का तहदिल स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर बीच में हमारे बड़े भाई श्री अरुण पाठक जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गुप्ता जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे जी बड़े भाई दिखाई दे रहे हैं। आज ये लड़ाई है ये किसानों की नहीं है, किसान और सभी वर्गों की लड़ाई है। ये जब एक हमारे दरवाजे आता है उसको रोटी देते हैं वो भी हमारे एहसान को मानता है, वो भी दूसरे दिन से प्रेम करने लगता है। और इस कोरोना काल में किसानों ने हमें अनाज दिया, हमें जीने के लिए हमें मंडी तक गए और सब्जी लाए, सब कुछ उनकी बदौलत आज जितने भी लोग थे वो जीवित रहे। लेकिन आज किसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, मुझे सरकार से ये कहना है कि वो गलत चीज़ों को मतलब इस आंदोलन को वापस लें और किसानों को राहत पहुंचाएं। और मेरा मीडिया से भी कहना ये है कि वो सच्चाई को पेश करें और सच का साथ दें, सच्चाई को पेश करें, सच का साथ दें। और मेरा सरकार से भी आंदोलन है कि वो आम जनता की पीड़ा को समझें, उनके शब्दों के साथ परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय जी, जिला अध्यक्ष सतीश नरवाल जी, शहर अध्यक्ष छोटे भाई राहुल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारीगण और पूर्व और वर्तमान के सम्मानित जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जो ये तीन कानून मोदी सरकार द्वारा बनाए गए हैं इसके विरोध में दिल्ली में 11 दिन से हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान लोग विरोध कर रहे हैं। जो किसान खेत में काम करता था वो अभी रोड में आ गया है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार अभी भी नहीं चेत रही है। इनने जो ये कानून बनाए हैं इतना कोविड-19 के दौर में इनने ये बिल पास किए अपनी तानाशाही दिखा करके और इसका पूरा देश ये तीन कानूनों का विरोध कर रहा है। पूरे किसान देश के किसान एक हैं और उसको कांग्रेस पार्टी ने आज समर्थन दे रखा है, हम सब लोग उनके साथ हैं। आज सुबह तिकोनिया से लेकर पूरे मार्केट में हम लोग घूमे और कई व्यापारी लोगों ने भी हमें समर्थन दिया और कई भाई लोगों ने भी हमें अपना समर्थन दे के दुकानें बंद करी। मैं ये कहना चाहती हूँ इस सरकार से, किसान वो है जिसने कोविड के 8 महीने के दौर में हर एक व्यक्ति को हर घर में एक अन्न का दाना घर घर पहुंचा करके उनका पेट भरा, लेकिन ये सरकार उसमें भी